हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं विक्रम वेदा के वेदा के बारे में। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि विक्रम वेदा का जो हिंदी रीमेक बन रहा है उसमें ऋतिक जो कि वेदा बन रहे हैं उनके हमें तीन लुक दिखने वाले हैं। और अच्छी बात ये है कि ये तीनों लुक हमें ट्रेलर में ही दिख गए। तो अब सवाल आता है कि ये तीन लुक का क्या कारण है और ये क्यों है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें विक्रम वेदा मूवी की टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं वेदा के फर्स्ट लुक से। जैसे कि हम ट्रेलर में ऋतिक को एक फाइट लड़ते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे ऋतिक को थोड़ा जवान दिखाया गया है। ये लुक है फर्स्ट लुक जो कि वेदा के उस टाइम को दिखाता है जब वेदा एक छोटा सा गुंडा था। जैसे कि हमने ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी में देखा था कि वेदा पहली बार चिट्टा की गाड़ी को चेक पोस्ट पार करवाता है, उस टाइम पे ओरिजिनल में भी विजय सेतुपति को जवान दिखाया गया था। सेम वैसा ही कुछ हमें यहाँ भी दिखेगा। यहाँ पे ऋतिक का फर्स्ट लुक जवान वाला होगा। हालांकि हम टेक्निकली देखें तो ये लुक फर्स्ट लुक नहीं है क्योंकि ये सीन वेदा की स्टोरी का होगा, मतलब फ्लैशबैक काइंड ऑफ। तो टेक्निकली वेदा का फर्स्ट लुक होगा जो लुक हमें ट्रेलर में इन्वेस्टिगेशन रूम में दिख रहा है, क्योंकि मूवी की स्टोरी वहीं से ही शुरू होगी। ये लुक टाइमलाइन के हिसाब से वेदा का लास्ट लुक होगा जिसमें वेदा हमें थोड़े एज्ड दिखेंगे। इनफैक्ट ओरिजिनल मूवी में तो इस टाइम पे वेदा के बाल और दाढ़ी व्हाइट कर दी गई थी क्योंकि इस लुक में वेदा को एज्ड दिखाना था। इस लुक में वेदा ऑलरेडी बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है और इसी लुक के टाइमलाइन में पुलिस यानी कि विक्रम वेदा का पीछा कर रही है और वेदा हर बार विक्रम को कोई स्टोरी सुनाकर भाग जाता है। अब आता है मिडल लुक यानी कि वो लुक जिसमें ऋतिक की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई है, मतलब ये लुक टाइमलाइन के हिसाब से मिडल एज का होगा। ये लुक तब आएगा जब हमें दिखेगा कि वेदा इतना बड़ा गुंडा कैसे बना। ये लुक हमें ओरिजिनल में भी तब दिखा था जब वेदा के पास बंदूक आ गई थी और वो अपने सारे दुश्मनों को मार रहा था यानी कि चिट्टा गैंग के लोगों को। और रीमेक में भी हमें ऐसा कुछ सीन दिख रहा है, बस फर्क इतना है यहाँ पर ऋतिक के हाथ में प्रॉपर बंदूक है और ओरिजिनल में विजय सेतुपति के हाथ में पिस्तौल होती है। तो ये है वो तीन लुक जो टाइमलाइन के हिसाब से और मूवी के हिसाब से हमें दिखेंगे। मैं सच बताऊं तो जब मैंने ट्रेलर देखा था तब मैं बहुत खुश था कि ऋतिक बहुत अच्छा करने वाले हैं वेदा का कैरेक्टर। लेकिन जब से मैंने वो अल्कोहलिया सॉन्ग सुना है और देखा है तब से भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऋतिक थोड़ा ओवर ना कर दे, क्योंकि विक्रम वेदा मूवी में कोई विलन है ही नहीं। यहाँ पे दोनों मेन कैरेक्टर हीरो ही हैं और दोनों अपने अपने रूल्स पे चलते हैं। लेकिन फिर भी ऋतिक की एक्टिंग स्किल्स पे पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो गाइस मूवी आ रही है 13th of September को और ये था इस मूवी में ऋतिक के तीनों लुक का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट पता हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।